15 ਸਾਲਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਾਡਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। बीते 3 दिन पहला गुरदासपुर के पिंड मलक मटम स्कूली बच्चों में हुए झगड़े दौरान 14 साल बच्चे दे कतल के मामले में दीनानगर पुलिस ने 5 लोगों खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, पर दोषियों की गिरफ्तारी ना होने कारण गुस्से में आए परिवारक मैंबर ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अमृतसर जम्मू नैशनल हाईवे जाम का रोस प्रदर्शन किया और कहा कि उदों तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जदों तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे। इस संबंधी जानकारी देंदिया मृतक बच्चे अजविंदर सिंह के परिवारक मैंबरों ने दसिया कि जदों 3 दिन पहला बच्चा स्कूल गया सी तां स्कूल विच उसका बच्चों नाल झगड़ा होया सी, जिस तों बाद उन्हां बच्चों ने रल के उन्हां दे बेटे का स्कूल तो बाहर आउंदे सार ही कोई चीज़ सिर विच मार के उसका कतल कर दिता है। उसनू एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश की जा रही है, पर डॉक्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि बच्चे के सिर विच कोई चीज़ मारी गई है जिस नाल उसकी मौत हुई है। सुनो बच्चे के मापिया ने ते रिश्तेदारों ने होर की कहा। लैके कल ही आया अमृतसर हॉस्पिटल, 3 दिन लगातार जाता रहा वा। एक मुंडिया का प्यो ASI जो स्वर्ण सिंह जे ये प्यो ये बच्चों ने साडे बेटे से नहीं सट लाई तो यह मगर की करन गया वा। एक बच्चा साडा हॉस्पिटल पिया जिहड़ा इहदे नाल वजा अहीं क्यों नहीं उहदा पता लैण चल गए। साडे मगर मगर तुरिया फिरदा अपना बच्चा छड के जाके सानू पैसे दिंदा सीगा धक्के नाल आपां नूं लए। इहदे बेटे दे मामे जी दे जेब च 20,000 रुपया पा गया, फिर अगले दिन गया वा फिर पैसे दिंदा आपां पैसे नहीं गे ले इहनां कोल। सानू साफ चाहीदा पैसे नहीं, सानू चाहीदे इहनां नूं सलाखां पिछे सुट्टण सारिआं जणिआं नूं। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਣ ਨਾ ਕਹਿਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਭੱਜਣ ਕਿਉਂ ਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਆ? ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ छुट्टी टाइम इन ये मगर आन के उन्हें सड़क से दूजी साइड में जाती है, ये मेरे बच्चे दे उड़े साइड में आ इन्हों ने मगर आन के मेरे बच्चे दे जो सिर में कोई भारी चीज़ मार के वह जरा वा कतल किया। मतलब जे एक्सीडेंट होया होवे उहदे होर भी कितने सट होवे, उहदे कपड़े पाटे होण, बांह ते खरोच होवे, धौण ते होवे, किसी भी दंद टुटिया होवे, कोई नहीं। दूसरा इन्होंने मेरे बच्चे जो एक्सीडेंट होया हो डिगन के नाल उन्हें सिर नहीं मिट्टी नहीं खोलती, गुत नहीं खोलती, तो इन्होंने उन्हें अगों रिबन भी ला के पहला वो चंगी तरह वाल पुटे गए आ, तो फिर वो सिर में चोट मारी गई आ, होर किते नहीं, सिर्फ सिर च ही चोट आ, होर किते नहीं हैगी। झगड़े का कोई सानू कारण का पता नहीं है, सानू बाद ही पता चलिया कि बच्चों का उत्थे झगड़ा होया। साडे बच्चे ने कोई घर आन के सानू जो घर ही नहीं आन दिता, उन्हें दसना की सी पेरेंट्स ने, उन्हें कुछ नहीं सानू पता। इन्हें आपे ही मगर आन के सानू नहीं पता स्कूल में की गल होई की नहीं। इन्होंने मगर उन्होंने साइड जी दूसरी साइड पैंती है, ये मेरे बच्चे के मगर आन के इन्होंने सट लाई है। जे स्कूटरी तो डिग्गा होवे उहदे गोडे ते सट लगी होवे जां उहदे कपड़े पाटे हो, कोई कपड़ा नहीं पाटा, कोई कुछ नहीं होया, कोई दंद नहीं टुटा, सिर्फ सिर विच ही लगनी ही उहदे सट। किन्ने किन्ने मारी, किन्ने बच्चे बच्चे बाऊपुर जट्टां दे आ बच्चे। नहीं बाहर आए। किन्ने बंदे जिन्होंने मारे हैं? 3 बच्चे आए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ASI ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਣ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ इस मौके ते पहुंचे DSP राजवीर सिंह ने दस्या कि इस मामले में मृतक बच्चे के परिवारक मैंबरां दे बयान दर्ज करके 5 व्यक्तियों खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो चश्मदीद सामने आए हैं उनका कहना है कि इस बच्चे का एक्सीडेंट होया है, पर परिवारक मैंबरों का कहना है कि उन्होंने बच्चे का कतल किया गया है। यह सारी जांच पड़ताल की जा रही है, तो परिवारक मैंबरों को समझा के धरने जल्द समाप्त करवा दिता जाएगा। हाँ जी, वो इन्हों का जो बच्चा सीगा नौवीं क्लास लिटल फ्लावर स्कूल पढ़ता सीगा, तो इन्होंने साढ़े को 28 तरीक में जो स्टेटमेंट उत्थे स्पॉट हस्पताल लिखाई है भी ये जड़े स्कूल का एक होर दसवीं का बच्चा तो उसका ब्रदर एक होर दोस्त इन्ह मतलब वो जी उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया तो वो सिर के रौड़ मारी है, जिसे संबंध में जो चार दोषियों खिलाफ 22 नेम 302 के मुकदमा असी दीनानगर दर्ज करके इनवैसटीगेशन उसकी की है, तो अभी दोषियों के उत्ते रेड कर रहे हैं, नान इनवैसटीगेशन भी यदि तहकीकात भी यदि कर रहे हैं। जो ये जिहड़ा इंसीडेंट है वांखा रोड के उत्ते वापरिया सी, जिहड़े उहदे सारे दुकानदार ने उन्हां सारे दे असीं बयान लए आ, तो स्कूल वालियां दे भी जिन्हां दस्सिया भी इत्थे कोई झगड़ा नहीं होया, सिर्फ दो बच्चे ही जिहड़ा मरन वाला ही एक्टिवा दे ही, तो दूजा जिहड़ा बाइक दे उत्ते ही, दोनों का आपस विच जिहड़ा वा जा रहा ही, तो इन्हां दे हैंडल फस गया, तो दोनों डिग पए सड़क के उत्ते, तो अस उन्होंने जिहड़े आई विटन से अज तक की तफ्तीश वो ये कहिंदे भी इत्थे कोई झगड़ा नहीं होया, ये एक्सीडेंट होया, जबकि मदई कहिंदे आ भी ये जिहड़ा झगड़ा होया यदि इनवैसटीगेशन भी चल रही है, तो दोषियों से छापेमारी भी कर। हाँ जी, पुलिस मुलाजम के इन्होंने वो मौके पर भी नहीं सी, इन्होंने मतलब या रुके के भी ना लिखाता, जबकि इनवैसटीगेशन दौरान आया भी वो मौके पर है ही नहीं। हाँ जी मतलब वो दसवीं चो भी उ पढ़ता लिटल फ्लावर, तो वो बाइक का तो वह जरा एक्टिवा का जोड़े उतों के जो आई विटनस है सारे दुकानदार आ लगभग 30-40 दुकानदार सारे ने बकूआ वेख्या, फिर उन्होंने ही उन्होंने हस्पताल पहुँचाया, उन्होंने इन्होंने पेरेंट्स को फोन करके दसिया। गुरदासपुर तो जतेंद्र पाल सिंह कलेर की स्पैशल रिपोर्ट। फगवाड़ा के आशू की हट्टी का खुला चैलेंज, जितों थानू मिलेंगे शहर में सब तो सस्ते रेट से सूट लहंगे साड़िया प्लाजो। आशू की हट्टी का एक ही वादा, थानू मिलेंगे वधिया क्वालिटी के कपड़े, पर रेट नहीं होगा ज्यादा। एक बार विजिट जरूर करो आशू की हट्टी, ओपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा।